तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि यदि आपने भी थ्रेड्स ऐप में अपना अकाउंट या फिर आईडी बनाया हुआ है और आप उसको डिलीट या फिर डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो फिर किस तरीके से करोगे। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा छोटी होने वाली है तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपको बताते हैं कि आखिरकार आप थ्रेड्स ऐप में अपना अकाउंट डीएक्टिवेट या फिर डिलीट कैसे करोगे। तो भाइयों उसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको थ्रेड्स ऐप को ओपन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर थ्रेड्स ऐप को ओपन कर लिया। थ्रेड्स ऐप को ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको राइट साइड में नीचे की तरफ एक आपको ऑप्शन मिलेगा आपकी प्रोफाइल का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर ऊपर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा टू लाइन, मतलब कि यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल के ऊपर दो लाइन बनी दिखेंगी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे भाइयों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अकाउंट, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने यहाँ पर अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक किया यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है दूसरे नंबर पर डीएक्टिवेट प्रोफाइल, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही भाइयों आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको इसकी टर्म्स पढ़ लेनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है आर यू श्योर यू वांट टू डीएक्टिवेट योर थ्रेड्स प्रोफाइल, तो सिंपली यहाँ पर आपको नीचे और यहाँ भी कुछ लिखा दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है डीएक्टिवेटिंग योर प्रोफाइल इज टेम्परेरी, योर प्रोफाइल थ्रेड्स रिप्लाइज एंड लाइक्स विल बी हिडन अंटिल यू रीएक्टिवेट By लॉगिन बैक इन, एंड यहाँ पर लिखा हुआ लर्न मोर अबाउट हाउ टू डिलीट योर डाटा। तो सिंपली यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिस पर लिखा हुआ है डीएक्टिवेट थ्रेड्स प्रोफाइल, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड भाइयों यहाँ पर लिखा हुआ है आर यू श्योर क्वेश्चन मार्क, तो सिंपली यहाँ पर आपको डीएक्टिवेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर थोड़ी देर प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद यहाँ से आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर इसमें दोबारा मतलब कि लॉगिन कर सकते हो। तो भाई यदि आप दोबारा लॉगिन करना चाहो तो आप कर लेना, वरना अब यहाँ पर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है थ्रेड्स ऐप से। तो भाइयों इस तरीके से आप भी बहुत ही आसानी से थ्रेड्स में अपने अकाउंट या फिर आईडी को मतलब कि डीएक्टिवेट या फिर डिलीट कर सकते हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। तो यार तब तक के लिए बाय।